की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ ऐसे जबरदस्त गैजेट जो कि डेली लाइफस्टाइल में काफी ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, यानी कि वो कोई बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी तो नहीं होगी, लेकिन आप उनका इस्तेमाल आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो हो जाते हैं एकदम सुपर डुपर हिट गैजेट। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस सीरीज की, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो पसंद आए तो फटाफट इसे लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना मांगता है। सुपर कैला। दोस्तों, मोबाइल फोन की एसेसरीज समय के साथ साथ खराब होना बहुत कॉमन सी बात है। अगर आप लगातार चार्जिंग केबल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसे में गुंजाइश रहती है कि वो धीमे धीमे कटना शुरू हो जाती है। इसकी एक वजह ये भी होती है कि जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना होता है, कहीं जाना होता है, तो हम अपनी मोबाइल फोन की एसेसरीज को एकदम बेतरतीब तरीके से कहीं भी ऐसे ही रख लेते हैं, जिससे कि केबल उलझ कर अक्सर कट जाया करती है। दोस्तों, अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि आपकी केबल को ऑर्गेनाइज करने में आपकी मदद करता है। दोस्तों, इसमें छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे होते हैं और साथ ही एक केबल कवर होता है जो कि पूरी केबल पर चढ़ा हुआ होता है और बीच बीच में मैग्नेट लगे होते हैं, और जैसे ही आप अपनी केबल को तहाना चाहेंगे तो ये मैग्नेट फटाफट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे कि केबल एकदम अच्छी तरीके से रोल हो जाएगी, जो कि कहीं न कहीं केबल को मैनेज्ड वे में रखने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। अगर आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसी जरूरत है जहां पर आपको केबल को तहा कर रखना है, तो आप इसकी मदद से ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी परेशान रहते हैं ये केबल कटने वाली प्रॉब्लम से, और क्या ये गैजेट आपकी इस प्रॉब्लम को कम कर सकता है या नहीं। कैप्स भी। दोस्तों, आपने बच्चों को देखा होगा कि वो अक्सर फ्लाइंग डिस्क के साथ खेला करते हैं, यानी कि गोल गोल एक ऐसी डिस्क होती है जिसे कि हवा में फेंका जाता है, जिसके बाद इसे कैच एंड कैच के तरीके से खेल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस चीज में थोड़ा सा और मजेदार इसे बनाने के लिए आप ट्राई कर सकते हैं अपनी इस कैप को, जो कि कुछ इसी तरीके से काम करेगी। इसे भी आप फ्लाइंग डिस्क की तरह हवा में आप थ्रो कर सकते हैं, जिसके बाद ये काफी देर स्टे करती है हवा में और एक कर्व बनाते हुए कहीं जाकर ये लैंड होगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गेम इंटरेस्टिंग तब हो जाता है जब इसे आपको सामने वाले को पहनाना होता है। तो जैसे ही आप इसे हवा में फेंकेंगे तो ये काफी तेजी से उड़ेगी और सामने वाले के सर पर जाकर बैठ जाती है, यानी कि आपको पहनानी होती है सामने वाले को टोपी, जिसमें कि आप वाकई कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाएंगे इस गैजेट के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको पसंद आई हो ये प्यारी सी कैप तो इसके लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। ऑप्स बॉट मी। दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल वीडियो क्रिएटर हैं और आपके साथ दिक्कत ये आती है कि आपकी वीडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं होता, तो ये गैजेट आपके लिए काफी बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि ये आपके लिए एक बेहतरीन कैमरामैन की तरह काम करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये एक दरअसल एक ऐसा छोटा सा रोबोट होता है जिसमें कि आपको अपने मोबाइल फोन को लगा देना होगा, और साथ ही दोस्तों इसके ऑफिशियल ऐप में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में काफी मददगार साबित होंगे। मान लीजिए कैमरा रोटेट कराने वाला कोई नहीं होता है, तो इसमें AI ट्रैकिंग सिस्टम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि कैमरा खुद ब खुद आपको फॉलो करेगा। इसका माउंट 360 डिग्री पर रोटेट करता है, जिससे कि आप कहीं भी मूवमेंट करेंगे इसमें आपकी प्रॉपर वीडियो कैप्चर होगी। और दोस्तों, ये जेस्चर कंट्रोल को भी सपोर्ट करता है। मान लीजिए अगर आपको अपनी रिकॉर्डिंग को रोकना है या फिर दोबारा रिज्यूम करना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने हाथों के मूवमेंट से ये काम कर पाएंगे। इसमें आपको वीडियो स्ट्रीमिंग के भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, जैसे कि आप अगर लाइव आना चाहते हैं फेसबुक और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर, तो उसके भी आपको काफी इजी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ब्लॉगिंग के लिए भी ये गैजेट बड़ा ही परफेक्ट रहता है, जैसे कि आप सिंगल हाथों से लेकर इसे कैरी कर सकते हैं और ब्लॉग्स बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिएटर हैं और आप एक ऐसा सपोर्टिव गैजेट ढूंढ रहे हैं जो कि आपकी रिकॉर्डिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो ये बड़ी ही कमाल की चीज रहेगी आपके लिए। फ्लस। दोस्तों, अक्सर जब हम लोग अपने दांतों को साफ करते हैं तो उनके जो बीच का गैप होता है उनमें खाना भर जाया करता है, जिसकी वजह से कैविटी जैसी प्रॉब्लम अक्सर देखी जाती है। लेकिन दोस्तों, इस गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने गैप्स को साफ करने के लिए। जो नॉर्मल टूथब्रश का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो दांतों की उतनी अच्छी तरीके से सफाई नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि कहीं ना कहीं दांतों में फंसाने के लिए बना है, और जैसे ही फंसाकर आप इसे ऑन करते हैं तो ये अच्छी तरीके से दांतों को साफ करेगा, जिससे कि गैप में जो भी खाना वगैरह फंसा होता है वो इसे आसानी से निकाला जा सकता है। तो दांतों की लंबी उम्र के लिए इस तरीके का गैजेट बेहद यूजफुल हो जाता है, जिससे कि दांतों की सफाई बेहद आसान रहेगी। फिंगरबॉट प्लस। दोस्तों, पिछले कुछ समय में आपने फील किया होगा कि स्मार्ट अप्लायंसेस का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है, जहां पर कुछ ऐसे गैजेट्स लोग अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपके घर के स्मार्ट अप्लायंसेस को कंट्रोल कर पाए। लेकिन स्मार्ट अप्लायंसेस काफी कॉस्टली होते हैं, जिन्हें की जनरली अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप अपने नॉर्मल अप्लायंसेस को ही अपग्रेड करना चाहते हैं एक स्मार्ट अप्लायंसेस के साथ, जिससे कि आप रिमोटली उसे दुनिया में कहीं से भी कंट्रोल कर सकें, तो ये गैजेट आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। दोस्तों, ये एक तरीके का ऐसा छोटा सा बॉट होता है, जिसे कि आपको अपने स्विच बोर्ड पर लगा देना होता है, और जिस भी गैजेट को आप ऑन ऑफ करना चाहते हैं तो बस इसे कंट्रोल करिए, जिसके बाद आपकी चीज खुद ब खुद ऑन ऑफ हो जाया करेगी इसकी मदद से। तो कहीं ना कहीं ये एक छोटा सा गैजेट आपके चीज सामान को एक रिमोट एक्सेस दे देता है, जिससे कि आप उसे कहीं से भी अपने मोबाइल फोन से या फिर अपने घर के स्मार्ट होम असिस्टेंट को वॉइस कमांड देकर एक्सेस कर सकते हैं। ब्लेड स्मार्ट ग्लासेस।
दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि स्मार्टफोन की क्रांति के बाद बहुत जल्दी स्मार्ट ग्लासेस की क्रांति आने वाली है, यानी कि बहुत जल्द लोगों के फेस पर आपको कुछ ऐसे स्मार्ट ग्लासेस देखने को मिलेंगे जिससे कि मोबाइल फोन के यूजर्स कम से कम हो जाएंगे और ज्यादातर लोग अपने इन स्मार्ट ग्लासेस का ही इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है जो कि बिल्ट इन डिस्प्ले के साथ आता है, जहां पर आपको बेहद कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों इस पे आपको मोबाइल फोन पर आने वाली सारी नोटिफिकेशंस, मैसेज वगैरह सब कुछ शो होंगे। साथ ही इसमें एक 8 मेगापिक्सल का छोटा सा कैमरा भी लगा होता है जो कि फोटोज और वीडियोस लेने के लिए बेहद कमाल का रहेगा। वहीं दोस्तों कॉल रिसीव करने के लिए और म्यूजिक सुनने के लिए भी ये बड़ी कमाल की चीज रहती है। यहाँ पर आपको एक ब्लूटूथ हेडसेट भी दे रखा होता है जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है और आप अपने चश्मे में टैप करके इसे कंट्रोल कर पाएंगे। तो काफी ज्यादा बेहतरीन सी ये चीज लगती है जो कि देखने वाले को तो बिल्कुल पता नहीं चलेगी और आपकी आंखों में होंगे स्मार्ट ग्लासेस जिससे कि आप बहुत सारे अमेजिंग काम कर सकते हैं। फोन वॉलेट बाय एल्यूसफर। दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसा गैजेट दिखाने वाला हूं जिसे यकीनन आप इस्तेमाल करना पसंद करेंगे। दोस्तों अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम अपने वॉलेट को भूल जाते हैं। अगर हम कहीं ऐसे ही बाहर जाते हैं और अचानक हमें पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो वॉलेट ना होने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत आती है। लेकिन एक चीज है जिसे कि हम बिल्कुल भी भूलना पसंद नहीं करते, वो रहता है आपका स्मार्टफोन। यानी कि कुछ अगर ऐसा इस्तेमाल किया जाए जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ ही अटैच कर दे आपके वॉलेट को, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि कहीं ना कहीं आपके वॉलेट और स्मार्टफोन को हमेशा आपके साथ रखेगा। दोस्तों इस वॉलेट की खास बात यह होती है कि इसे आप किसी भी मोबाइल फोन के एग्जिस्टिंग कवर के साथ अटैच कर सकते हैं और जब भी आपको जरूरत होती है अपने पैसों की तो हमेशा आपका पर्स आपके पास होता है। वहीं दोस्तों ये आपके लिए एक मोबाइल स्टैंड की तरह भी काम करेगा कि मान लीजिए अगर आप मूवीज वगैरह एंजॉय करना चाहते हैं तो बस इस वॉलेट को ओपन करिए और मजे लीजिए मूवी के। यानी कि एक बेहतरीन मोबाइल स्टैंड की तरीके से भी आपका पर्स काम करता है। और दोस्तों इसका जो डिजाइन बनाया गया है उसे काफी पतला रखा गया है जिससे कि कहीं ना कहीं ये आपके स्मार्टफोन की जो थिकनेस है उसे बरकरार रखेगा और आपके फोन को बल्की होने से बचाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी इस तरीके के वॉलेट को इस्तेमाल करना चाहते हैं और अगर हाँ तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। टैक्टिका M250। दोस्तों कभी कभी छोटे छोटे स्क्रू ड्राइवर्स वगैरह जैसी चीजों की जरूरत हमें घर में अक्सर पड़ा करती है जिसके लिए हम इधर से उधर टहलते रहते हैं और हम उसका सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढ पाते। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने घर में एक ऐसा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर का सेट रखना जो कि साइज में तो बेहद छोटा रहे और हमेशा आपकी नजरों के सामने रहे, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है जो कि साइज में एक कीरिंग के साइज का होगा। लेकिन इसमें आपको बहुत सारी बिट्स देखने को मिल जाती है जिसका इस्तेमाल आप एक स्क्रू ड्राइवर के तौर पर अलग अलग जगहों पर कर पाएंगे। इसकी खास बात ये होती है कि साइज वाइज बेहद छोटा रहेगा और इसमें सारी बिट्स इसी के अंदर पैक रहती हैं, जिसे कि कहीं ना कहीं आपको बार बार इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो बस इसमें रखिए और जब भी आपको जरूरत पड़े तो फौरन इसे निकाल कर इस्तेमाल करिए। तो दोस्तों काफी यूजफुल रहता है इस तरीके का गैजेट जो कि एक मल्टी टूल गैजेट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं या फिर अपनी गाड़ी में एक छोटा सा टूल किट रखना चाहते हैं तो इस गैजेट को हमेशा अपने साथ लेकर कैरी कर सकते हैं, जहां पर ये एक बेहतरीन मल्टी टूल गैजेट की तरह हमेशा आपके साथ रहेगा। आईशिफ्ट PI लैपटॉप डेस्क। दोस्तों आप सभी को ये बात पता होगी कि लैपटॉप को हमें अपने डायरेक्ट बेड पर या फिर ऐसी जगह पर रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिससे कि उसका वेंटिलेशन में दिक्कत आए। यानी कि अगर आप एक ऐसे सरफेस पर रखकर उसे इस्तेमाल करते हैं जिससे कि उसकी नीचे की हीट बाहर नहीं निकल पाती है तो कहीं ना कहीं ये लैपटॉप के टेम्परेचर को बढ़ा देगी जिससे कि आपका हार्डवेयर खराब हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इस्तेमाल करने होते हैं लैपटॉप स्टैंड को जो कि काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा छोटा सा पोर्टेबल लैपटॉप स्टैंड चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए बेहद कमाल का रहेगा, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि पूरी तरीके से एक फोल्डेबल स्टैंड होता है। जो नॉर्मल स्टैंड आते हैं मार्केट में वो काफी ज्यादा बड़े साइज में होते हैं और भारी भरकम होते हैं, जिन्हें की जनरली कैरी करना थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है। लेकिन इस गैजेट की अगर हम बात करेंगे तो ये इतना कन्वीनियंट होता है कि आप आसानी से इसे अपने लैपटॉप बैकपैक में लेकर कैरी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों ये आपको डिफरेंट टाइप में इसे ओपन करने के ऑप्शन भी देता है, जैसे कि आप इसे एक नॉर्मल टेबल की तरह तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ ही अलग अलग मोड्स में जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये अलग अलग शेप में रहेगा जिससे कि आप अपने लैपटॉप को अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ये फीचर्स मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा है जिसे कि मैं भी यकीनन इसे खरीदना चाहूंगा। तो अगर आप भी कुछ ऐसा प्लान कर रहे हो तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही आप वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट को अगर आप खरीदना चाहते हैं या फिर उसके बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों इसी तरीके से मिलता रहूंगा आपको कुछ जबरदस्त गैजेट्स के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।